आखिरकार वो खबर सामने आ गई जिसका बेसब्री से पूरे देश को इंतजार था। जी हाँ, पिछले काफी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि तेल कंपनियां अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर सकती हैं। अब तेल कंपनियों ने ऐलान किया है कि 15 मार्च सुबह 6 बजे से तेल की कीमतों में यानी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2 रुपए की कटौती की जाएगी। पूरे देश में ये कीमत कल सुबह 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी, यानी पूरे देश में सुबह 6 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता मिलेगा। जाहिर बात है, इस फैसले का पूरे देश के हर नागरिक पर सीधा असर पड़ता है। पिछले काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेल कंपनियां इस कमी का ऐलान कर सकती हैं और आज तेल कंपनियों की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले का असर देश में चलने वाले करीब 60 लाख भारी वाहनों जिसमें ट्रक, टेम्पो, बस शामिल है, जो आमतौर पर सार्वजनिक वाहन के रूप में या फिर सामान को इधर से उधर माल ढोने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये डीजल से चलने वाले वाहन, इनको सीधा असर पड़ेगा। देश में करीब 60 लाख ऐसे भारी वाहन हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा देश में करीब 6 करोड़ कारें हैं। कारों से ऑफिस आने जाने वाले मेरे पीछे हाईवे पर इस समय दौड़ते हुए वाहन, इस हर वाहन के जो भी इस हाईवे पर चल रहा है उस वाहन चालक को कल सुबह से पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता मिलेगा। देश के करीब 27 करोड़ दोपहिया वाहनों, क्योंकि बड़ी संख्या है जो दोपहिया के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को भी कल से 2 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। जाहिर बात है कि इस तेल कंपनियों के इस फैसले के बाद कई सेक्टर्स में काफी खुश देखा जाएगा, उनको राहत भी मिलेगी, क्योंकि हर इसका सीधा असर हर सेक्टर पर पड़ता है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, किसान हो। किसान देश में बड़ी संख्या में, उनके ट्यूबवेल, उनके पंपिंग सेट, उनके पानी की सप्लाई, उनकी सिंचाई का काम, पूरा काम आजकल पेट्रोल और डीजल के ईंधन के जरिए होता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। इसी के साथ एक और बड़ा फैसला जो तेल कंपनियों के इस फैसले से ठीक पहले आया था कि राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में वैट 2 रुपए सस्ता कर दिया है। वैट 2 रुपए 2% माफ कीजिएगा, वैट 2% कम कर दिया है पेट्रोल और डीजल पर। इससे पेट्रोल की कीमत राज्य में 1.40 रुपए से 5.30 रुपए तक कम होगी और डीजल की कीमत 1.34 रुपए से 4.85 रुपए तक कम होगी। अब कुछ लोग इसे चुनाव से भी जोड़ेंगे। जाहिर बात है, चुनाव का मौसम सामने है तो निश्चित तौर पर ये चुनाव से भी जुड़ेगा, लेकिन सरकार का इस मामले में ये कहना है कि तेल कंपनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से फैसला लेती हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन आम, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि पिछले काफी समय से तेल कंपनियां इस दाम को कम करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर रहे थे और चुनाव का इंतजार कर रहे थे, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाएगा, लेकिन एक राहत है देश के हर नागरिक के लिए, राहत है। हालांकि उम्मीद थोड़े ज्यादा की कर रहे थे, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम मिला, लेकिन फिर भी 2 रुपए पेट्रोल और डीजल कम मिला है। अब एक अगले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर देगा, तो सीधे तौर पर इसे चुनाव से भी जोड़कर कुछ लोग देखेंगे, लेकिन इस तरह के फायदों का निश्चित तौर पर चुनावी बेला में फायदा तो मिलता ही है।